हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राहुल और आज आपके सामने है एक छोटा सा पार्सल जो कि अमेजोन से मैंने इसे परचेस किया है। इसके अंदर में क्या है और ये मैं क्यों परचेस किया हूँ ये पूरी वीडियो में पता चलने वाला है। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए आप वीडियो को तुरंत से स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी पैकेजिंग की। तो आपको पता है अगर आप छोटे सामान मंगाते हो तो आपको या तो प्लास्टिक की पैकेट मिलती है या ज़्यादातर आपको इस तरीके की जो कागज़ होती है उसकी पैकेजिंग में यहाँ पर पार्सल आती है। ये कुछ इस तरीके से कट हो जाता है। रिटर्न पॉलिसी के साथ में मैंने इसे मंगाया है और ये क्या है अभी आपको पता चलने वाला है। सबसे पहले हम इसे साइड रखते हैं और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा और बॉक्स देखने को मिलता है जो कि एक इस तरीके का 284 रुपये का ये मुझे पड़ा है। अब हम क्या करते हैं इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए यहाँ पर देखिए पैकिंग के लिए बनाया गया होता है। अब जैसे हम इसे ओपन करते हैं अब हमारे सामने आने वाला है बहुत ही अच्छा और सस्ता प्रोडक्ट। वो क्या है ये देखिए धीरे धीरे ये बाहर आ रहा है। तो अब आप यहाँ पर देखिए और इसमें कुछ भी नहीं है, बस यही वो सामान है जिसे मैंने परचेस किया था। और अब हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए भी मैं यहाँ पर सीज़र का ही यूज करूँगा क्योंकि हमें तुरंत से इसे ओपन करके देख लेना है कि आखिर इसके अंदर में क्या है और हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसे मैंने इसलिए मंगाया क्योंकि देखिए ड्रिल मशीन रहती तो है लेकिन बिजली नहीं रहने की वजह से हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे मंगाया है और इसका जो की है वो भी इसलिए मैं आपको पता होगा कि मैंने इसे पहले एक ड्रिल मशीन बनाया परचेस किया था जिसमें भी इस तरीके के छोटा सा की मिला था, इससे छोटा था। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो एक यहाँ पर छोटी सी शाफ्ट है जिसके अंदर में हमारा जो मोटर है वो इजीली से आ जाएगा और यहाँ पर एक इस तरीके की ये वाली लोहे की जो पत्ती है ये इसमें इजीली से ऐड हो जाएगा। आप ये कटर मशीन के लिए मैंने इसे परचेस किया है, अगर आप इसे लेना चाहते हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, आप वहाँ से इसे बाय कर लेना। और ये पूरी तरह से मेटल में इससे बनी हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर तो मैंने एक इस तरीके का जो ब्लेड है वो मैंने भी फिलहाल में लगा दिया है, आप इसकी जगह पर आप इसे भी यूज कर सकते हैं। 775 मॉडल का मोटर है और इसे हम डायरेक्टली इसके अंदर में इस तरीके से लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने लगा दिया। अब जो की है इसकी हेल्प से हम इसे पूरी तरह से टाइट भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने अब इसे सिंपली टाइट कर दिया है और आप चाहो इसे और अच्छी तरह से टाइट कर लेना जिससे ये बिल्कुल भी लूज ना रहे, क्योंकि लूज रहेगा तो ये अच्छी तरह से वर्किंग भी नहीं करेगा। ये देखिए ये अब परफेक्टली काम करेगा या नहीं करेगा, ये कट करेगा या नहीं करेगा वो भी आपको पता चलेगा साथ में। चलिए अब हम इसे तुरंत से टेस्ट करके देख लेते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखा देता लेकिन आप ब्लेड की जो कंडीशन है वो आप देख सकते हो जिसकी वजह से ये कट तो नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं आपको इसे लाइव अभी टेस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया सिर्फ 12 वोल्ट 7 एम्पीयर की जो बैटरी होती है मैंने उससे निकाल करके ले आया हूँ और अभी देखिए ये माइनस वाला पॉइंट है प्लस मैंने लगा दिया। अब आप इसकी स्पीड को भी आप देख लेना। ये देखिए मैं टच करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर स्पार्क करता है ये स्टार्ट हो जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड में हो जाता है। मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए आप देख सकते हैं ये इतनी ज़्यादा हाई स्पीड में है कि अगर इसके सामने भी अगर कोई आता है तो ये पूरी तरह से उसे भी पूरी तरह से कट कर देगा। फिर से मैं दिखा देता हूँ, तो फ्रेंड्स आप इसे जरूर आप खरीदिए क्योंकि इससे आपके काफ़ी सारे पैसे बचने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेगा किसी और वीडियो के साथ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।